अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। हाय, मैं हूँ जवेरिया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है ये तस्वीर मोदी की मकबूलियत पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर तमाचा है। हिंदी पढ़ ली मैंने, तो ये गूगल ट्रांसलेट का नतीजा है। मुझे तो पता ही नहीं था ये सब ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं, NMF न्यूज चैनल की वीडियो है। हाँ, मैंने पूरा टाइटल पढ़ के बता दिया अपने व्यूअर्स को। लेट्स प्ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NMF न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भले ही भारत में कुछ तबके फर्जी खबरें फैलाने का काम करते हो, उनकी लोकप्रियता पर सवाल उठाते हो, लेकिन ये तमाम सवाल और तमाम प्रोपेगेंडा जो फैलाए जाते हैं उस वक्त धराशायी हो जाते हैं जब नरेंद्र मोदी विदेशी धरती पर कदम रखते हैं। फिर चाहे नाइजीरिया उनको सबसे बड़े सम्मान से नवाजता हो या फिर गयाना जैसा देश जहां पर प्रवासी भारतीय ही नहीं बल्कि गयाना के लोग भी नरेंद्र मोदी के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। मोदी मोदी के नारे लगते हैं और जब नरेंद्र मोदी वहां पर राम भजन सुनते हैं तो वो वीडियोस भारत में भी तहलका मचा देते हैं। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की गयाना यात्रा छाई हुई है, हर तरफ उसी की चर्चा है। 5 दिवसीय ये यात्रा थी जो अब पूरी हो चुकी है और इसको पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री भारत के लिए रवाना भी हो चुके हैं। लेकिन किस तरह से मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, किस तरह से बुजुर्ग महिलाएं नरेंद्र मोदी को देखने के बाद हाथ जोड़ रही है, उनके सामने नतमस्तक हो रही है। किस तरीके से नरेंद्र मोदी राम भजन की धुन सुन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नरेंद्र मोदी के साथ भारत के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की विदेशी दिग्गजों से मुलाकात हो रही है, इन सब तस्वीरों ने भारत में नरेंद्र मोदी के विरोधियों के सीने पर सांप लौटाने का काम किया है। गयाना से कुछ बेहद बेहतरीन पल जो नरेंद्र मोदी ने अपने आप देखे, महसूस किए और जिन्हें देखकर हर भारतीय गर्व से अभिभूत हो रहा है, वो आपको दिखाते हैं। Friends, our commonalities provide a strong foundation to our friendship. Three things in particular connect India and Guyana deeply: culture, cuisine, and cricket. Just a couple of weeks ago, I'm sure you all celebrated Diwali. And in a few months, when India celebrates Holi,
गयाना विल सेलिब्रेट फगवा। दिस ईयर द दिवाली वॉज स्पेशल एज रामलला रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 500 ईयर्स। People in India remember that the holy water and silas from Guyana were also sent to build the Ram Mandir in Ayodhya. Despite being ocean apart, our cultural connection with Mother India is strong. I could feel this when I visited the Arya Samaj Monument and Saraswati Vidya Niketan School earlier today. Both India and Guyana are proud of our rich and diverse culture. We see diversity as something to be celebrated, not just tolerated. Our countries are showing how cultural diversity is our strength. Friends, whenever people of India go, they take one important thing along with them, the food. The Indo-Guyanese community also has a unique food tradition which has both Indian and Guyanese elements. I am aware that dal puri is popular here. The Sevan curry meal that I had at President Ali's home was delicious. I will remain a fond memory of me. Friends, the love for cricket also binds our nation strongly. It is not just a sport. It is a way of life, deeply embedded in our national identity. The Providence National Cricket Stadium in Guyana stands as a symbol of our friendship. Kanhai, Kali Charan, Chandar Paul are all well-known names in India. Clive Lloyd and his team have been a favorite of many generations. Young players from this region also have a huge fan base in India. Some of these great cricketers are here with us today. Many of our cricket fans enjoyed the T20 World Cup that you hosted this year. Your cheers for the team in blue at their match in Guyana could be heard even back home in India. जी तो बीच में अजान हो गई थी इसलिए हमने। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा जवाब है कि दूसरे कंट्रीज में मोदी जी की क्या रिस्पेक्ट है, मोदी जी की क्या इज्जत है। अच्छा, गयाना में मैं हैरान हूँ कि 40% इंडियन पॉपुलेशन है, अफ्रीका का एक कंट्री है, 40% इंडियन पॉपुलेशन है। इंडियंस में जो हिस्ट्री की वीडियो देखता हूँ ना, तो मुझे ये बात पता चला है
कि बहुत पहले पूरी दुनिया में ये जो हमारा सिंध है ना, क्योंकि सब ये इंडिया पाकिस्तान सब एक था, पूरी दुनिया में सबसे पहले यहाँ से आबादी पूरी दुनिया में शिफ्ट हुई है, सबसे पहले अफ्रीका में, लेकिन यहाँ सिविलाइजेशन प्रॉपर स्ट्रांग हुई थी गयाना में, नहीं सिंध में, तो पूरी दुनिया में यहाँ से लोगों ने माइग्रेशन की है, तो काफ़ी लोगों में इंडियन कल्चर दिखता है, जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे दादा परदादा के परदादा के दादा के दादा दादा इंडिया से आए थे। एक शख्स था रोमानिया, एक यूरोप का कंट्री है, एक शख्स था बच्चा लड़का स्टूडेंट, वो वहाँ पे पढ़ने गया तो उसने ना एक दो तीन रोमानिया की एक दो तीन सुनी, उसे हिंदी की लगी, वहाँ के कई चीज़ें जो हैं उसको बाकायदा, वहाँ की एक पूजा है इंडिया में उसकी काली माता की पूजा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो यहाँ के कल 1200 साल पहले यहाँ से लोग चले गए थे, यहाँ पे कब हमले हुए थे हिंदुस्तान में, गौरी और गजनवी और अलेक्जेंडर वगैरह, तो वहाँ पे लोगों ने शिफ्ट किया था, मतलब इधर से उधर चले गए थे, यूरोप तक चले गए थे वो, तो वहाँ के लोगों ने कल्चर देखा तो उस पर पूरा थीसिस बनाया, हिस्ट्री एक रिसर्च थीसिस बनाया, फिर दुनिया को पता चला चार्ली चैप्टन इंडियन ओरिजिन, इसके अलावा कई बड़े बड़े जो लोग रोमानिया, अच्छा रोमानिया को आज तक इज्जत नहीं देते यूरोपियन, मतलब वो उनका कलर थोड़ा सा या उनको उनको पता है कि ये खाना बदोश थे, आज तक रोमानिया वालों को वो इज्जत नहीं देते, कल उनका मज़हब चेंज हो गया, सारी चीज़ें चुनी गई, लेकिन इसी तरह जैसे गयाना में 40% हिंदू 40% इंडियन ओरिजिन लोग, तो आप जैसे मोदी जी का फोकस इस पूरी वीडियो को अगर 80% नोट करें तो कल्चर पर बात हो रही थी कि कैसा लगा आपको, आपको तो इंग्लिश समझ आती है थोड़ी थोड़ी, मुझे नहीं आती, क्या कह रहे थे? बहुत अच्छा लगा, वो तो अपने कल्चर के बारे में ही बता रहे, गयाना का कल्चर और इंडिया का कल्चर सेम सेम है, और फुटबॉल मतलब एक गेम नहीं है वो, आपकी जिंदगी है, क्रिकेट 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 आपके वो है, और इसके अलावा चाबी थी, हमने गयाना का भी गयाना का भी उनका देखा कि किस तरह से उनको वेलकम किया गया, नाइजीरिया का भी देखा कि किस तरह से वेलकम किया गया, मतलब हर जगह मोदी जी जाते हैं और उनको इज्जत मिलती है, जो लोग बोलते हैं उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है तो उनके लिए वाकई तमाचा है कि वो अपने शहर की चाबी दे रहे हैं, और सबसे बगैर देखे जो पढ़ रहे थे, और सबसे मजे की बात हाँ यही है कि वो बगैर देखे पढ़ रहे थे, मतलब कि उन्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है या किसी के और के अल्फाज नहीं बोलते, वो उनके दिल से आवाज़ निकलती है, तो ये असल में ना उनकी एक कल परसों में एक वीडियो देख रहा था तो बड़ी बेहतरीन नॉलेज थी, जैसे मोदी जी के बारे में सुना है कि सुबह वो सुबह सवेरे नंगे पैर चलते हैं, उन्होंने अपने एक सहन में ना एक दरख्त लगाया हुआ है, उस दरख्त के आसपास भी ना पैदल चलते हैं, लेकिन वो जो पैदल चलते हैं ना वो हर अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, यानी कि 4-5 स्टेप पत्थर है, फिर 4-5 स्टेप लकड़ी है, गोल चलते हैं गोल, फिर 4-5 स्टेप पानी है, यानी कि यूँ समझ लो वो कहते, फिर मैंने एक रिसर्च पढ़ी सुनी कि आप ज़मीन पे नंगे पैर चलने से आपको जो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन जो मिलती है उससे आपकी कई बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। एक शख्स ने एक औरत का इलाज कैसे किया, उसको आधा ज़मीन में गाड़ दिया इतना, और बाकायदा घास पे चलने से, घास पे ज़मीन पे नंगे पैर चलने से बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो मोदी जी मतलब यूँ समझ लो कि जैसे आप उनको फोकस है कि मैंने इस स्पीच में आधा घंटा क्या बोलना है, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं, उनको सारा कॉन्सेप्ट पता है, योगा करना और जिस तरह की मेडिटेशन होता है, ये सारी चीज़ों के बाद आपका बड़ा कंसंट्रेशन, आपका फोकस आपकी चीज़ों पे, आप बड़ा कंट्रोल, आपके आपको कोई उलझा नहीं सकती कोई चीज़, आप जब किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो तो डिटेल से तसल्ली से बात कर रहे हो, और दूसरी बात की वो उनके दिल से निकल रही है ना बातें, दिल से निकल रही है, पढ़ी भी लिखी भी नहीं, हाँ दूसरे के अल्फाज नहीं बोल रहे, वो उनके अपने जो उनके ख्यालात हैं वो अपने। अच्छा एक और चीज भी है कि पढ़ा लिखा हुआ पढ़ने से फील नहीं आता, बिल्कुल सही से लगता है कि पढ़ा हुआ लिखा हुआ बस आप छाप रहे हो, वो फील वो होता भी नहीं है ना, उनका अपना नहीं होता ही नहीं है, तो वो फील कैसे आएगा, कैसे आएगी। तो खैर बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी, बहुत कुछ सीखने को मिला, दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।